अफसाना खान ने पार करी हैं सारी हदें। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अफसाना खान ने जिस तरीके से सात हदें पार करी हैं वो बताने वाली बात है। जी हां, इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताऊंगा कि कैसे अफसाना खान ने शमिता शेट्टी को कितनी जलील करने वाली बात कही है और इस पर सलमान साहब भड़केंगे। स्वागत है आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RAHULPHOJ के नाम से राहुल भोज, तो वहाँ पर मुझे फॉलो अवश्य करें। दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार अफसाना खान जो कि बिग बॉस के घर के अंदर आई थी और हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी कर रही थी जिस तरीके से वो बात करती, मैं तो बच्ची हूँ मैं तो सच बोलूँगी, ये वो सारी चीज़ें कर रही थी। पंजाब का जो एक एंगल होता है, जो एलिमेंट होता है मस्ती का, चुलबुलियत का, वो बहुत अच्छा लेकर आई थी बिग बॉस के घर में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जितना नाम और शोहरत उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे कमाया है बिग बॉस के घर के अंदर, वो उतना ही दोस्तों गवा भी रही हैं। जी हाँ, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने अकाशा के कपड़े फाड़े, ये बात मैंने आपको कल ही ऑलरेडी बता दी थी लाइव में, साथ ही साथ उन्होंने जो है आपका क्या कहते हैं ये लात भी मारी, राइट? और लात उन्होंने परसों के टास्क में भी मारी थी, यानी कि जो हमें कल दिखाई दिया था जहर का कहर। अब ऐसे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो जहां पर आकाशा ने शमिता शेट्टी को घमंडी औरत तक बोल दिया और ये तक बात बोल दी कि जो फेम तू बिग बॉस OTT में ना कमा पाई, तो अब मेरे से लड़कर वो फेम जो है तू पाना चाहती है, मेरे से लड़कर तू अपने आप को तवज्जो दिलाएगी, कुछ ऐसी बातें कह दी हैं अफसाना खान ने दोस्तों, जो कि सचमुच में सुनने में ना लिटरली निंदनीय है। अब देखते हैं भाईजान सलमान खान कैसे लगाएंगे अफसाना की क्लास। मैं तो चाहता हूं कि कुछ ना कुछ हो, इस पर कार्रवाई हो। आप क्या चाहते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूज और मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखो।